हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को जनकपुरी के सीफर ई मार्केट में। हाँ जी, ये मार्केट लगता है सैटरडे को शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक। यहाँ पर आपको घर के सामान के लिए कुछ चाहिए, आइटम वगैरह या फिर कपड़े एक्सेसरीज चाहिए, सब कुछ इस मार्केट में अवेलेबल होता है। काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ें मिलती हैं इस मार्केट में। पहुंचने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जनकपुरी वेस्ट या फिर जनकपुरी ईस्ट में आप उतर सकते हैं। वहां से आप ऑटो करके जा सकते हैं या रिक्शा वगैरह भी चलते हैं, बसेस की सर्विस भी है। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उसके थ्रू यहाँ पहुँच सकते हैं। मार्केट बहुत ही गजब का था, ज़बरदस्त कलेक्शन था यहाँ पर। अगर आप सरोजनी नहीं जा पाते, अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं या फिर सरोजनी ऐसे आपके घर से दूर है, तो आप इस मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी मार्केट लगी। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना। गाइस, मार्केट में एंटर करते ही मुझे सबसे पहले ये शॉप दिखी जो कि थी फुटवेयर की। इनके पास कमाल का कलेक्शन था। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप सरोजनी नगर में जाएंगे तो भी आपको ऐसा ही कलेक्शन मिलेगा। उल्टा मुझे यहाँ का कलेक्शन ज़्यादा बढ़िया लगा। ये भैया लगाते हैं लेयर यूनिसेक्स सैलून के एकदम सामने अपनी शॉप। इनके पास 200-250 रुपए में आपको ये स्लीपर्स मिल रही थी। ये वाली स्लीपर्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी फंकी थी, अलग अलग टाइप की थी, कलर्स इनके पास सारे अवेलेबल थे। आप जब भी मार्केट जाइएगा प्लीज़ इनकी शॉप पर एक बार विज़िट कीजिएगा। ये वाला स्टाइल मैंने सरोजनी में भी देखा था, बट इनके पास थोड़ा सा डिफरेंट था सरोजनी से भी। देन इनकी शॉप के आगे भैया जी शॉप लगाते हैं जिनके पास होम डेकोर का बहुत प्यारा प्यारा सामान मिल जाता है। ये बेल देखिए कितनी प्यारी है। ये इन्होंने मुझे रेट बताया 500 रुपीज़, बारगेनिंग आप कर सकते हैं। काफ़ी कुछ अवेलेबल था इनके पास। ये वाला झालर जो वाइट वाला है, इसका रेट उन्होंने मुझे बताया 200 रुपये। बाकी ये जो DDLJ वाली बेल है आप सामने देख सकते हैं ब्लू कलर की, इसका रेट उन्होंने मुझे बताया 1400। अगर आप इसमें ये जो साइड में छोटा वाला लगा है वो लेंगे तो थोड़ा रेट कम होता जाएगा। जितना छोटा छोटा जाएगा उतना रेट कम होता जाएगा। देन यहाँ पे इसके छोटे वाले भी अवेलेबल थे। बाकी झालर वगैरह देख सकते हैं, बच्चों के बैग हैं इनके पास, काफ़ी कुछ आइटम थे। पीछे ये बड़ा वाला झालर है, बटरफ्लाई है, आउल है। आप शॉप पे जाएंगे आप देख देख के थक जाएंगे, पर इनके पास आइटम ख़त्म नहीं होंगे। देन ये बड़ा वाला झालर था ब्लू कलर का, इसका रेट उन्होंने मुझे बताया 1500 रुपये। आप जब भी इनके पास जाइएगा प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। होम डेकोर का बहुत ही बढ़िया सामान इस मार्केट में अवेलेबल था। देन इन्हीं के थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे मिल रहे थे कप मग्स। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं, बड़े बड़े मग में आप चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये शॉप बहुत ही बेस्ट थी। इनके पास स्टार्टिंग रेट था 60 रुपीज़, और 60 रुपीज़ के बाद इनके पास हर टाइप का जो अलग अलग देख रहे हैं मटेरियल इनके पास, इसका रेट बढ़ता जाएगा। देन के पास 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, हर आइटम का रेट अलग अलग था। बाकी आप देख ही सकते हैं वैरायटी कितनी सारी है। अगर आप पीना ना भी चाहें तो घर में सजाने के लिए इनको रख सकते हैं। देन इन्हीं के थोड़े से आगे चल के मार्केट में एक स्टॉल लगा रखा था भैया ने ईयरिंग्स का, जो कि थे 100 रुपीज़ के। छोटे वाले लेंगे तो आपको 60-70 के पड़ेंगे। जो बड़े ऊपर वाले दिखा रही हूँ मैं, ये 100 रुपीज़ के हैं। ये सरोजनी वाली वाइप देते हैं पूरे। ये देखिए ये वाला पीस कितना प्यारा है, आपके सूट साड़ी सबके साथ मैच हो जाएगा। ये लंबे में लेना चाहें तो अच्छे हैं, झुमके स्टाइल में भी मिल जाएंगे आपको। अलग अलग वैरायटी थी इनके पास हाथों के। ये आप देख सकते हैं नीचे ये बैंगल्स भी थे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। आपके सूड़ी सूट सबके साथ ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे, साड़ी सूट के साथ कॉम्प्लीमेंट बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। कलर सारे ही अवेलेबल थे इनके पास। यहाँ पे मिल रहे थे 100 रुपीज़ के टी शर्ट, काफ़ी ही अच्छा इसका स्टफ था। ये लग नहीं रहे थे कि 100 रुपीज़ के होंगे, बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ पे मिल रहे थे पर्सेस जो कि थे 200 रुपीज़ के। जो भी आप सारे यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ये सारे 200 रुपीज़ के थे। ये पार्टी के लिए, शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए, ऑफिस गोइंग के लिए सब बहुत ही बढ़िया थे। अलग अलग टाइप के मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, छोटा सा। अगर किसी को थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए तो वो भी इनके पास अवेलेबल था। हर टाइप की वेराइटी थी इनके पास। ये वाला देखिए, ये वाला भी बहुत प्यारा था, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में था ये वाला। देन यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बड़े उसमें था। जो अभी मैंने आपको छोटा साइज दिखाया उसमें ये थोड़ा सा बड़ा था।
बाकी जो अब आपको मैं ऊपर वाले दिखा रही हूँ उसका रेट उन्होंने मुझे बताया कि सबका अलग अलग होगा। इसका स्टफ भी थोड़ा अलग था नीचे वाले से, आपको देख के खुद ही पता चल जाएगा। देन यहाँ पे सूट मिल रहे थे 350 की सेल थी, बाकी जो ऊपर वाले देख रहे हैं आप 1000, 1200, 1300, हर सबका रेट अलग अलग था। यहाँ पे आपको मेकअप के सामान मिल रहे थे, भैया जी ने मुझे बताया 20 रुपीज़ से स्टार्ट हैं और ये जाते हैं 30, 40, 50, 60 रुपीज़ तक। सबका अलग अलग प्राइस था। लिपस्टिक, नेल पेंट सब कुछ मिल जाएगा इनकी शॉप में। देन इन्हीं के आगे जाके यहाँ पे बच्चों के कपड़ों की सेल लगी थी जो कि थे 100 रुपीज़ के। ये सारे कपड़े थे 100 रुपीज़ के। डंगरी स्टाइल में भी देख सकते हैं, छोटी छोटी फ्रॉक स्टाइल में भी देख सकते हैं। ये पिंक वाला स्कर्ट टाइप में था, ये भी अच्छा लग रहा था। बाकी गर्मियों के हिसाब से तो अच्छे ही लग रहे हैं सारे कपड़े। इसमें कुछ फ्रॉक के नीचे तो आपको सलवार मिल जाएंगे, कुछ के नीचे बिना सलवारों के मिलेंगे। ये देख सकते हैं ऊपर जो भी सारे आपको बच्चों के कपड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे 100 रुपीज़ के हैं। बड़े बच्चों के लिए जो फ्रॉक हैं अलग अलग डिज़ाइन में, सब 100 के। देन यहाँ पे बिंदी 20 रुपये की, ये जो पर्सेज है 500 रुपये के, और ये जो चप्पलें दिख रही हैं ये 250 रुपये से स्टार्ट है। इन्होंने मुझे बताया 200, 250, 300, 350, सबके रेट अलग अलग हैं। अगर आपको पीछे से कवर वाली पसंद है तो ये वाली काफ़ी अच्छी है, कम्फर्टेबल भी है। यहाँ पे ओपन स्टाइल में आपको उसी रेट पे मिल लीजिए 200, 250, 300 रुपये की। सबका रेट अलग अलग था, साइज़ के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। देख सकते हैं वैरायटी तो इनके पास बहुत ही सारी थी, कलर भी बहुत सारे थे, एकदम सरोजनी को टक्कर देने वाली मार्केट थी ये। बाकी गाइस मार्केट में जाएंगे आपको पता ही चल जाएगा रेट वगैरह, सामान वगैरह, बहुत बड़ी मार्केट लगती है, आप खुद ही जाके चेकआउट कीजिएगा एक बार। बाकी मैंने आपको दिखाई दिए हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉल लगे थे 100 रुपीज़ की टू, हाँ जी, काफ़ी अलग अलग प्रिंट थे, समर्स के हिसाब से कलर्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे। काफ़ी प्यारे प्यारे स्टॉल लग रहे थे, इनके पास चुन्नियाँ अवेलेबल थी। गाइस मार्केट की ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही और नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।